Next, on loading spring with bob, its period of oscillation in vertical plane is T. If this spring pendulum is tied with one end of this frictionless table, एक कंडीशन में तो ऐसे है, ये ऐसे लटकाया गया है, ठीक है, यहां पर टाइम पीरियड टी है। अब आगे क्या है, फ्रिक्शनलेस टेबल पर है, ये फ्रिक्शनलेस टेबल है, ऐसे हमने यहां पर इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के होगा, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के, एंड मेड टू द ऑक्सिलेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ऑक्सिलेट कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड ये टी डैश मान लेते हैं। देखो यहां के का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, तो टी डैश इक्वल टू टी, क्योंकि टी जो होता है वो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, मास सेम है, के सेम है, तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, यानी टी डैश इक्वल टू टी ही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए।